इसमें बहुत सारी विदेशी लोगों का भी भागदारी हो रहा है कि जैसे कि करीब टोटल हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 700 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स आएंगे और ये लोग अपना जो साइंटिफिक उपलब्धियां हैं उसको प्रेजेंट करेंगे। उनमें से करीब 15 नेशन से 70 करीब पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं बाहर का कंट्री से। अच्छा, कौन से टॉपिक्स इसमें शामिल हो रहे हैं फिजियोलॉजी के? देखिए, इसमें खाली जो नाम तो है इंटरनेशनल प्लांट फिजियोलॉजी कांग्रेस, लेकिन इसमें सब बायोलॉजिकल साइंसेज का सभी एस्पेक्ट करीब करीब कवर है, जैसे कि जीनोमिक्स हैं, प्रोटियोमिक्स हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, फिजियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री तो है ही है, जेनेटिक्स हैं, इवन स्ट्रेस बायोलॉजी है, केमिकल इकोलॉजी है, कार्बन साइकिल, कार्बन डायनामिक्स, कार्बन मॉडलिंग ये भी है, सो फोटोसिंथेसिस है। सो इस तरह जितना सारी साइंसेस हैं हम लोगों का बायोलॉजिकल साइंसेस में कटिंग एज साइंस जो है इसका ऊपर हम लोगों का पूरा प्रोग्राम आधारित रहेगा। ये कॉन्फ्रेंस में एक तो करीब 700 डेलीगेट्स आ रहे हैं, अगर आप 700 डेलीगेट्स को देखें तो हमें अब्स्ट्रैक्ट बुक पब्लिश करने के लिए जहाँ पे 700 डेलीगेट्स हों तो एक बहुत मोटी सी बुक छापनी पड़ती, और आप मान सकते हैं कि उस बुक को छापने के लिए हमें कितने पेड़ों को काटना पड़ता है। इन्वायरमेंट को सेफ रखने के लिए, इन्वायरमेंटल को कंसर्न, हमने वर्ल्ड को बताने के लिए कि हम इन्वायरमेंट से कंसर्न है इंडिया, हमने क्या किया, हमने कहा हम अब्स्ट्रैक्ट बुक नहीं पब्लिश करेंगे, सारा कुछ हम ई अब्स्ट्रैक्ट बुक देंगे जो कि हमारी ऑनलाइन भी अवेलेबल होगी, जिससे कि हम इन्वायरमेंट को सेफ रखेंगे। दूसरा, हमने जो इनिशिएटिव लिया है, आप किसी भी कॉन्फ्रेंस में जाएंगे देखेंगे प्लास्टिक की छोटी छोटी बॉटल्स होती हैं, सारे लोग उनको यूज़ करते हैं। हमने कहा कि नहीं, हम वो नहीं करेंगे, हमने मेटल की बॉटल परचेज की, हर डेलीगेट को हम एक मेटल की बॉटल दे रहे हैं, और हमारे वाटर डिस्पेंसर्स वहाँ पे होंगे जिससे लोग पानी को डिस्पेंस करके हम उनसे कहेंगे कि आप वहीं पे उसको पीजिए। आप अगर अपने हॉल में कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे हैं तो आपको बाहर जाके प्लास्टिक की बॉटल नहीं लेनी पड़ेगी, आपके हाथ में आपके पानी की बॉटल है।